हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराज मैथमेटिकल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन हब। स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के साथ रिंग थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर। हम रिंग थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें बातें हमने पढ़ ली हैं। हमने एडिम्पोटेंट एलिमेंट पढ़ लिया है, हमने निलपोटेंट एलिमेंट पढ़ लिया है, हमने करेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग पढ़ ली है, एंड सो ऑन। बहुत सी बातें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज़ द सब रिंग, जो हमने यहाँ पर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। आज के टॉपिक में, आज के सब रिंग में हम आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं हम एक बार। हम आज के इंडेक्स में हम आप लोगों के साथ, आज आप और मैं एक साथ बड़े होंगे, सीखेंगे, समझेंगे कुछ क्या होता है हमारा सब रिंग, और उसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब रिंग है वो हम समझेंगे यहाँ पर, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब रिंग। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा सेंटर ऑफ अ रिंग। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ अ रिंग। नेक्स्ट आइडियल, आइडियल जिसमें लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या होता है, और आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, किसको हम आइडियल बोलते हैं, कौन से सबसेट को हम आइडियल बोला जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। देन द रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल। देन द रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल, आज हम इतनी सी बातें डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जब हम कल क्लास में आएंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तो हम सिंपल रिंग से शुरू करेंगे, हम सिंपल रिंग की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। तो कनेक्ट करते जाना, जहाँ से भी आप लोगों को ये लेक्चर जो है हम कनेक्ट करवा रहे हैं वहाँ से आप लोगों ने कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं सब रिंग के ऊपर क्या कंसेप्ट है। देखिए, जैसे आप लोगों को हमने ये बात बताई थी कि हम ग्रुप और सब ग्रुप के बारे में भी पढ़ चुके हैं। हमने ग्रुप की डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, हमने ग्रुप थ्योरी के टॉपिक में हमने ग्रुप थ्योरी अच्छे से समझ लिया है। ग्रुप को हमने क्या बोला था कि अगर वो हमारे पास चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा दे तो वो ग्रुप हो जाता है। एक्स्ट्रा एक और प्रॉपर्टी अगर हो जाती है हमारे पास तो ये अबिलियन ग्रुप बनता है ना, ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं। सिमिलरली हम एक और ये वाली बात बोलते थे कि नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एच, नॉन एम्प्टी सबसेट H of G is known as the subgroup of G if it satisfied the same if it is satisfied the same four properties with the same binary operation, with the same binary operation then it is called the subgroup of G, then it is called the subgroup of G। तो मैं ये बात बोलता था H is the subgroup, सब ग्रुप ऑफ जी, ये वाली बात होती थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एक इस एच को ज़्यादा चार प्रॉपर्टीज ना लगा के ना हमने एक ओएसटी पढ़ लिया था, हमने एक ओएसटी पढ़ लिया था कि अगर ए एंड बी अगर एच में बिलोंग करते हैं तो ए बी इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी अगर एच में हो जाता है, तो ये हमारा ओएसटी था, दैट इज़ अ वन स्टेप टेस्ट, ओएसटी था हमारा वन स्टेप टेस्ट। हमने ज़्यादातर बातें कुछ इसी नेबरहुड में हमने यहाँ पर पढ़ी हुई थी, है ना। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गए ग्रुप की प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ ऐड करके हमने बनाया रिंग, हमने बनाया रिंग जिसको हमने नोटेशन कैसे दी, आर प्लस, और तो इसको हमने रिंग बोला था हमने इसको यहाँ पर। ओके, हमने ये बात पढ़ी थी कि आर प्लस डॉट के साथ ही हमारे को यहाँ पर ये ग्रुप बनाता हुआ दिखता है, और आर डॉट के साथ ही एस जी बनाता है, दैट इज़ अ सेमी ग्रुप बनाता है, और इसके बीच में एक और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये टोटल प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर लगाई थी तो हमें वो रिंग कहलाती थी। देखिए सब रिंग, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सब रिंग, सब रिंग, सब ग्रुप नहीं सब रिंग। अब हम सब रिंग पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब सब ग्रुप के लिए तो H नोटेशन है, G के लिए ग्रुप, G फॉर ग्रुप, H फॉर सब ग्रुप, R फॉर रिंग, S फॉर सब रिंग, S फॉर सब रिंग। मैं अब यहाँ पर इसको S से नोटेशन दे देता हूँ कि ये हमारी सब रिंग है। अब ये सब रिंग हुआ क्या, अब इसमें भी हो सकता है ये अपने आप में विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, विद सेम बाइनरी ऑपरेशन ये अपने आप में भी रिंग हो जाए, तो उसे हम क्या, मैं बात बोलूँगा कि वो मेरी सब रिंग है। लेकिन सब रिंग की हम ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि वो सेम बाइनरी ऑपरेशन विद एडिशन एंड द मल्टीप्लीकेशन, हम इसको क्या नोट, इन जनरल हम क्या बात बोलते हैं कि वो सेम बाइनरी ऑपरेशन के साथ वही सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा दे ये एस, एस जो एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है, जो
एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है तो उसके बीच में ये रिलेशनशिप अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ कि वो सबरिंग है। लेकिन सबरिंग का भी एक ओएसटी है, अगर वो हमने ओएसटी पढ़ लिया तो हमारा एक काम हो गया। ओएसटी मतलब वन स्टेप टेस्ट। तो चेकआउट द फॉलोइंग सबसेट आर द सबरिंग और नॉट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन रिंग, आज हम इसी के बारे में यहाँ पर बात पढ़ेंगे। चलिए यहाँ से अब हम आगे बढ़ लेते हैं, कैसे अब हम सबरिंग की मेन डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। चलिए यहाँ से मेन डेफिनेशन ऑफ सबरिंग अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेहनत करते रहिए, आप लोगों की मेहनत जो है हमेशा फलदायक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं आप लोगों के साथ सबरिंग की डेफिनेशन को, हाउ टू डिफाइन द डेफिनेशन। स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, सबरिंग की डेफिनेशन है, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग, ओके। मैंने यहाँ पर सबसे पहले ले लिया कि ये आर प्लस डॉट जो है वो मेरी रिंग है, एंड एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ओके। मैंने यहाँ पर क्या बोल लिया कि एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, क्लियर। नेक्स्ट बात पढ़ते हैं, एस इज सेट टू बी सबरिंग ऑफ रिंग इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, हेयर इज द फर्स्ट कंडीशन दैट इज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए एंड बी, सेकेंड कंडीशन है मेरे पास यहाँ पर ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, a minus b belongs to s and a b का जो प्रोडक्ट है वो भी अगर s में हो जाता है तो मैं डायरेक्ट बात बोल दूंगा कि वो मेरी सबरिंग है। अब सबरिंग का मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एग्जांपल मैं यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ कैसे हम किसी भी टर्म को यहाँ पर सबरिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल आप लोगों के साथ इसे डिफाइन करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल, ठीक है। पहली कंडीशन है मेरे पास यहाँ पर एक बार और, a माइनस बी बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू s। सेकेंड कंडीशन है आप लोगों के पास यहाँ पर दैट इज a इंटू b बिलोंग्स टू s फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू s। अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को एक टर्म लूँ तो मैंने यहाँ पर अब r एक रिंग ली दैट इज एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द z क्रॉस z, हमने ये बात पढ़ ली है, अब यहाँ पर मैं दो तरीके से रिंग लेता हूँ, एक मैं s डिफाइन करता हूँ, एक मैं t डिफाइन करता हूँ। देखिए s तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, हम t भी डिफाइन कर सकते हैं, हम s भी डिफाइन कर सकते हैं। s के अंदर x और x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू z, ये मेरे पास एक एलिमेंट आएगा, और t के अंदर x एंड y टाइप के एलिमेंट आएंगे जिनमें इनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, किसी भी सबसेट को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, क्या वो नॉन एम्प्टी है या नहीं है, क्या वो सबसेट, रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, क्या वो सबसेट हमारा नॉन एम्प्टी है या नहीं है। क्लियरली यू कैन सी दैट 0,0 बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज एस इज नॉन एम्प्टी, हमने इसके बारे में यहाँ पर बात कर ली है। अब अगली बात पढ़ते हैं, मेरे को यहाँ पर अब दो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं तो मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पर A1 A2 और यहाँ पर लिए B1 B2 बिलोंग्स टू S लिए, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S। मैंने यहाँ पर A, B ये मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं A1 एंड A2, मुझे क्या करना है इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लेनी है, तो ये A1, A2 माइनस B1, B2 माइनस B1, B2। अब हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड पेयर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 ये नंबर हो गया है। अब दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन वो हमेशा ही इंटीजर आएगा तो मैं इसे इंटीजर ही बोल दूंगा, तो ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो ये सारा नंबर कहाँ चला गया, A माइनस B बिलोंग कहाँ चला गया, S में चला गया, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये S में बिलोंग हो गया है। सिमिलरली मैं इनका प्रोडक्ट ले लेता हूँ, A1 A2 B1 B2 और यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज दिस नंबर A1 B1
ए टू बी टू। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स अगेन एन इंटीजर, तो ये भी हमारा कहाँ चला गया, एस में चला गया है। आपका ए माइनस बी, आपका ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो गया है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस, एंड ए इंटू बी बिलोंग्स टू एस हो गया है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस। तो मुझे यहाँ पर ये सबरिंग की डेफिनेशन जो है, ये हमारी सबरिंग है, पहले वाली तो सबरिंग है, ये हमें यहाँ पर पता चल गया है, पहले वाली सबरिंग है, ये हमें यहाँ पर पता चल गया है। सेकंड वाली भी अब हम यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं कि क्या ये हमारी सबरिंग है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये दोनों नंबर हमारे को अब यहाँ पर प्रोडक्ट या तो जीरो की इक्वल हो या तो जीरो से बड़ी हो, या तो जीरो की इक्वल हो या तो जीरो से बड़ी हो। अगर ये जीरो की इक्वल हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू जीरो, आइदर फर्स्ट टर्म जीरो आइदर सेकंड टर्म जीरो। इसका मतलब इसके बीच में जीरो जीरो जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, जीरो जीरो बिलोंग्स टू टी, तो इसका मतलब क्या हो गया है, टी जो है वो नॉन एम्प्टी है, टी जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी है। अब मुझे चेक करना है कि इनका जो सा प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ पर सेटिस्फाइड करे। अब मैं यहाँ पर दो नंबर ले लेता हूँ, मैंने एक ए ले लिया यहाँ पर माइनस फोर माइनस टू कॉमा, है ना, ये नंबर ले लिया है, ओके। और मैंने बी नंबर ले लिया है माइनस फाइव और माइनस वन, मैंने एक बी ले लिया है माइनस फाइव और माइनस वन, और ए ले लिया मैंने यहाँ पर माइनस फोर और माइनस टू। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके देखो, क्या पहले इन दोनों का जो नंबर आएगा वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ए बी किया, ए बी में ये नंबर क्या आने वाला है, देखिए प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा नो डाउट। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं, ए माइनस बी, तो ये नंबर कितना आएगा हमारे पास, माइनस फोर प्लस फाइव, तो वो वन आ जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन आ जाएगा, और इनका जो सा प्रोडक्ट है वो कभी भी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो नहीं आ रहा है। तो सॉरी, ये जो रिंग है, ये जो हमारे पास सबसेट दिया हुआ था, ये मेरा सबरिंग नहीं बना, ये मेरा सबरिंग नहीं बना, ये मेरा सबरिंग बन गया है, एस मेरा सबरिंग है, टी मेरा सबरिंग नहीं है। तो इसी के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है, ठीक है यहाँ तक बड़े। अब अगर मैं इसको डबलेट ना लेके ट्रिपलेट वाला एक एग्जांपल लूँ आप लोगों के साथ, तो अब ट्रिपलेट वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अब यहाँ पर R को डिफाइन कर लेता हूँ, या मैं एक P डिफाइन कर लेता हूँ, हाँ रिंग है मेरी यहाँ पर, जो रियल नंबर, रियल नंबर और रियल नंबर के टर्म से मुझे यहाँ पर मिलती है, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर के टर्म से मुझे यहाँ पर मिलती है। और मैंने एक सबसेट यहाँ पर डिफाइन करा फ्रेंड्स, मैंने एक सबसेट यहाँ पर एस डिफाइन करा, जिसमें मेरे पास ए बी सी टाइप के ट्रिपलेट मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, उनमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर मैं टर्म्स लेने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया वन जीरो माइनस वन, वो भी क्या हो रहा है, इन सम का जो सब है वो हमारे पास जीरो हो रहा है। नेक्स्ट नंबर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वन माइनस वन और जीरो, वन माइनस वन और जीरो, इनका सम भी क्या हो रहा है, इसको अगर मैंने ए नोटेशन दी, इसको बी नोटेशन दी, तो चेक कर सकते हो ये हमारी सबरिंग नहीं बन रही है, ये हमारी सबरिंग जो है वो नहीं बन रही है। तो इस तरह की हमने यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, समझ रहे थे, समझ आया सबरिंग के बारे में, कैसे हम मैंने आप लोगों को ग्रुप थ्योरी से इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है। जैसे सब ग्रुप पढ़ते थे, वैसे ही जैसे वहाँ पर पढ़ते थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप, सेम द सेम लाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अगेन सबरिंग, जैसे हम वहाँ पढ़ते थे आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप, यहाँ पर भी सेम लाइन पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अगेन सबरिंग। तो हम यहाँ पर भी सेम बातें आप लोगों के साथ यहाँ पर करेंगे। वहाँ पर हम ये वाली बात बोलते थे कि जीरो और खुद एच, ये हमारे पास दो प्रॉपर, ये हमारे पास दो सब ग्रुप होते ही होते हैं, ट्रिवियल और प्रॉपर, है ना, यही वाले इसको हम प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसके बारे में भी यहाँ मैं बात बोलूँगा, फर्स्ट नोट है हमारा यहाँ पर कि ये दोनों हमारे पास रिंग हैं, ये दोनों हमारे पास रिंग है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो है, दैट इज आप लोगों के साथ अब क्या डिस्कस करना है मुझे, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इसको इरेज करके। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे रिंग्स की, सबरिंग की प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को अभी बता चुका था इरेज करने से पहले, कि जीरो एंड आर आर द ऑलवेज सबरिंग इन एनी रिंग, जीरो दैट इज अ प्रॉपर रिंग,
जिसे हम प्रॉपर ग्रुप भी बोलते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर, इसे हम प्रॉपर रिंग भी बात बोलेंगे। प्रॉपर रिंग और आर वो हमारा खुद एक सब रिंग होता है। जैसे ग्रुप में हम यहाँ पर बात करते थे कि एवरी ग्रुप इज ऑल्सो सब ग्रुप, सिमिलरली एवरी रिंग इज ऑल्सो सब रिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ मैं, एवरी सब रिंग ऑफ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव। एवरी सब रिंग ऑफ कम्यूटेटिव रिंग इज कम्यूटेटिव, ये हमने यहाँ पर बात पढ़ ली है। आप बड़े ध्यान से इसके बारे में सोच भी सकते हैं, अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है तो उसकी सब रिंग भी कम्यूटेटिव होगी ही होगी। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बात बोलूँ तो थर्ड प्रॉपर्टी में हमारे पास यहाँ पर रिंग है एक, और यहाँ पर हमारे पास सब रिंग है। अब इसमें यूनिटी के बारे में हम यहाँ पर बात बोलेंगे कि इसमें यूनिटी होती है या नहीं होती है, ठीक है। पहले केस में हम यहाँ पर बात बोल लेते हैं कि हो सकता है रिंग एंड सब रिंग के पास दोनों के पास सेम यूनिटी हो, दोनों के पास सेम एक ही यूनिटी हो, उसके बारे में हम बात बोलेंगे। अब रिंग और सब रिंग के पास सेम यूनिटी है, इसका एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं। रिंग और सब रिंग के पास सेम यूनिटी है, इसका एग्जांपल है जेड इज अ सब रिंग ऑफ क्यू। इस दोनों के पास सेम यूनिटी है और ये यूनिटी आप लोगों ने खुद डिफाइन करनी है कौन सी होती है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ कि अगर रिंग के पास तो यूनिटी है, इन दोनों के पास यूनिटी है लेकिन वो दोनों सेम है, मैंने ऐसे यहाँ पर डिफाइन करना, अभी प्रॉपर तरीके से भी लिखवाऊंगा। देखिए रिंग के पास है लेकिन सब रिंग के पास नहीं है, ऐसा कोई एग्जांपल आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। रिंग के पास यूनिटी यूनिट एलिमेंट है, इसके पास नहीं है यूनिटी, इसका एग्जांपल है आप लोगों के पास 2z इज सब रिंग ऑफ z, 2z इज अ सब रिंग ऑफ z। इसके पास तो यूनिटी है, इसके पास यूनिटी नहीं है, इसे आप लोग डिफाइन करेंगे कौन सी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डन ओके। अब यहाँ पर मैं, ये हो गया हमारा सेकेंड, थर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। रिंग के पास तो है, सब रिंग के पास नहीं, सॉरी रिंग के पास नहीं है, सब रिंग के पास है, ऐसा एग्जांपल आप लोग यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए थर्ड के बारे में यहाँ पर हम लिख लेते हैं। थर्ड में हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज़ अ आर है उसके अंदर, आर जिसमें एक मैट्रिक्स है 2x2 की 0 0, सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग होते हैं। इसका एस के बारे में अगर मैं डिफाइन करूँ तो ए 0 0 1, सॉरी ये भी 0 है, तो यहाँ पर भी ये जो ए है ये बिलोंग करेगा हमारे पास आर में। अब देखिए ना, रिंग के पास यूनिट एलिमेंट नहीं है, आप इसे यहाँ पर, ये रिंग विदाउट यूनिटी है, इसके पास यूनिट एलिमेंट नहीं है लेकिन इसके पास यूनिट एलिमेंट है, और वो यूनिट एलिमेंट है कौन सा, 0 1 0 0 0 1 0 0, ये हमारे पास इसका यूनिटी है, इसका ये यूनिट एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर, तो इस केस के लिए ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाती है। डन, अगली बात पढ़ लेते हैं कि देखिए फर्स्ट वाले में तो मैंने क्या बोला कि दोनों के पास यूनिट एलिमेंट है, मैं किसके बारे में बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये यूनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दोनों के पास यूनिटी है, लेकिन फोर्थ केस में क्या हो सकता है, दोनों के पास यूनिटी तो है बट वो इक्वल नहीं है। इसमें क्या है, इसमें इक्वल यूनिटी है, इन दोनों में इक्वल है यूनिट एलिमेंट, इन दोनों में इक्वल यूनिट एलिमेंट नहीं है, इन दोनों में इक्वल यूनिट एलिमेंट नहीं है। अब किसमें कौन सा नहीं है वो देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पर देखिए, ये जेड है, जेड और क्रॉस 0 इज द सब रिंग ऑफ जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस जेड मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से आया हुआ है यहाँ पर ये नंबर। इसमें यूनिट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 0, इसमें यूनिट एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 1, इन दोनों के पास यूनिट एलिमेंट है बट वो दोनों अलग अलग हैं, बट वो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ केस भी आता है कि इन दोनों के पास ही यूनिट एलिमेंट ना हो, इन दोनों के पास भी, सॉरी फिफ्थ केस भी आता है हमारे पास यहाँ पर कि इन दोनों के पास ही यूनिट एलिमेंट ना हो, तो उसके लिए एग्जांपल क्या है, दैट इज 4z इज द सब रिंग ऑफ 2z, दैट इज द 4z इज द सब रिंग ऑफ 2z। हम इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, हमने अब ये सारी बातें आप लोगों के साथ लिखनी है, आप लोगों के साथ लिखनी है, तो आप लोग अब मेरे साथ साथ यहाँ पर आप लोग लिखिए। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर है 3 का ए पार्ट हमने यहाँ पर लिखना है, 3 का ए पार्ट हमने यहाँ पर लिखना है, बोथ
द रिंग एंड द सब रिंग हैव द सेम यूनिटी. बोथ द रिंग एंड द सब रिंग हैव द सेम यूनिटी. फॉर एग्जाम्पल जेड इज द सब रिंग ऑफ क्यू. जेड इज द सब रिंग ऑफ क्यू. इन दोनों के पास सेम यूनिटी है. नेक्स्ट कर लेते हैं. यहां पर देयर एग्जिस्ट अ रिंग हुज सब रिंग डज नॉट हैव यूनिट एलिमेंट. देयर एग्जिस्ट अ रिंग, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिंग डज नॉट हैव यूनिटी वेयर एज सब रिंग हैव यूनिट एलिमेंट. रिंग डज नॉट हैव यूनिटी वेयर एज सब रिंग हैव डज नॉट एलिमेंट. मैं थर्ड बता दिया एक मिनट के लिए. हम यहाँ पर थर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रिंग डज नॉट हैव यूनिटी वेयर एज सब रिंग हैव यूनिटी वेयर एज सब रिंग हैव यूनिटी. ठीक है, हमने ये वाली बात कर ली है. इसके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है. सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं. रिंग हैज यूनिटी वेयर एज सब रिंग डज नॉट हैव यूनिट एलिमेंट. वेयर सब रिंग डज नॉट हैव यूनिट एलिमेंट, हेयर इज एग्जांपल, दैट इज 2z × z. ये हमारा ये नंबर है. फोर्थ में हम बात कर लेते हैं. बोथ द रिंग एंड द सब रिंग हैव डिफरेंट यूनिट एलिमेंट्स. बोथ द रिंग एंड द सब रिंग हैव डिफरेंट यूनिट एलिमेंट्स. हमने ये दोनों डिफरेंट यूनिट एलिमेंट के बारे में हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है. ठीक है, डन. उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है. उसका एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है जिसके बारे में लिखना है, दैट इज z × 0 × z × z. इसमें यूनिट एलिमेंट 1 0, इसमें यूनिट एलिमेंट 1 1. तो हमने ये डिफाइन कर लिया है. फिफ्थ पॉइंट में हम यहाँ पर ये डिफाइन करा हमने कि बोथ रिंग एंड द सब रिंग डज नॉट हैव यूनिट एलिमेंट. हेयर इज द एग्जाम्पल, दैट इज द 4z इज द सब रिंग ऑफ 2z. ये तो आप लोगों को पता ही है, 4z इज द सब रिंग ऑफ 2z. तो सेम हम उसी तरीके से यहाँ पर बात बोलेंगे. इन दोनों के पास ही, देखिए ना, इसी में ही यूनिट एलिमेंट है. तो इसमें मे और मे नॉट भी होता है. इसमें अगर यूनिट एलिमेंट नहीं है, मतलब रिंग के पास अगर यूनिट एलिमेंट नहीं होता, तो उसमें आप मे और मे नॉट भी लिख सकते हैं. हो भी सकता है, नहीं भी होता. यहाँ पर नहीं भी हो रहा है. तो हमने कुछ ये इस तरीके से आप लोगों ने इस लैंग्वेज को आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है. ठीक है, फोर्थ कंडीशन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं. फोर्थ कंडीशन जो हमने यहाँ पर डिफाइन करनी है, चलिए. फोर्थ कंडीशन है, इफ ए इज द सब रिंग एंड बी इज द सब रिंग ऑफ आर, देन ए प्लस बी मे और मे नॉट बी सब रिंग ऑफ आर. मे और मे नॉट बी सब रिंग ऑफ आर. ये ए बी सी डी और ये ई आप लोगों ने लिख लेने हैं. खुद अभी मैंने आप लोगों के साथ बात करी है. फोर्थ के बारे में बात करता हूँ. इफ ए इज द सब रिंग ऑफ आर, कैपिटल बी इज सब रिंग ऑफ आर, देन ए प्लस बी मे और मे नॉट बी सब रिंग ऑफ आर, देन ए प्लस बी मे और मे नॉट बी सब रिंग ऑफ आर. बिल्कुल ठीक है, रिकॉर्डिंग भी ठीक चल रही है. अब इसके बारे में हम यहाँ पर मे और मे नॉट बी सब रिंग ऑफ आर के बारे में यहाँ अगर आप लोगों के साथ एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं बात बोलूँ, मैंने यहाँ पर एक आर डिफाइन करा. जो m2z है. हमें पता है कि 2×2 का मैट्रिसेस हमने इसके अंदर होंगे और ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो z से यहाँ पर डिफाइन होंगे. z थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, दैट इज़ z. ठीक है, m2z है. मैंने यहाँ पर एक a डिफाइन करा जिसमें मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0 a 0 0. ए डिफाइन करा जो ये मेरी सब रिंग तो होगी, ए बिलोंग्स टू जेड. पहले चेक करना है कि क्या ये हमारी सब रिंग है या नहीं है, वो हमने चेक करना है. बी, बी के बारे में मैंने लिख लिया है 0 0 b 0. ठीक है, और ये जो बी है, ये बी बिलोंग्स टू जेड है. अब मैंने यहाँ पर दो तरीके से, देखिए इसको, सब रिंग हमने यहाँ पर चेक करना है. ऐसे से हमने दो एलिमेंट लिए, a1 b1 a1 a2, सारी जगह पे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, a1 - a2, दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी सेम आता है, वो भी इंटीजर ही आता है. तो यहाँ पर ये तो, ये भी मेरी सब रिंग है और ये भी मेरी सब रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इस तरह की सब रिंग क्या हमारे पास a प्लस बी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है?
ए प्लस बी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, ए भी सब रिंग बी भी सब रिंग। मैंने ए प्लस बी को डिफाइन करा, अब दो दो मैट्रिसेस का सम है तो इसमें ए प्लस बी में किस तरह की मैट्रिसेस आएंगी, जीरो ए बी जीरो, यहाँ ए आएगा, ठीक है। फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द इंटीजर्स, इसके बारे में हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर लिया है, इसके बारे में हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर लिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्या ये हमारी सबरिंग है या नहीं है, इसके बारे में हमने इसमें डेफिनेशन यहाँ पर लेनी है, हमने इसमें यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर लेनी है। चलिए बढ़ते हैं, इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। मुझे बताना है कि ये जो a प्लस बी है ये हमारा सबरिंग है या नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमने यहाँ पर एक्टिव रखने हैं। मैं x को यहाँ पर ले लेता हूँ एक नंबर, दैट इज़ 0 1 2 0 0 1 2 0। मैं बिल्कुल नोट्स के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब ये नोट्स मिले तो कोई भी दिक्कत परेशानी वाली होने वाली ना हो, जैसा बोर्ड पे है वैसा नोट्स पे है, समझने में इजी रहता है, ठीक है। तो ये नंबर भी हमारा कहाँ से बिलोंग हो रहा है, ये नंबर भी ए प्लस बी से बिलोंग हो रहा है। वाई वाई मैंने एक और यहाँ पर एक एलिमेंट ले लिया है 0 3 4 0, ये नंबर ले लिया है और ये नंबर भी ए प्लस बी में डिफाइन हो रहा है। ऑब्वियसली बात है इनका सब्ट्रैक्शन भी a प्लस बी में डिफाइन हो रहा होगा, लेकिन क्या सबरिंग को चेक करने के लिए जो सेकंड कंडीशन है दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये x इंटू वाई टाइप का एलिमेंट मेरे पास किस टाइप का बनेगा, x इंटू वाई बन रहा है 4 0 0 6, जो a प्लस बी में बिलोंग हो रहा है या नहीं हो रहा। सर नहीं हो रहा, ठीक है नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मे और मे नॉट बी सबरिंग हेयर, ए एंड बी आर द सबरिंग बट ए प्लस बी मे और मे नॉट बी सबरिंग, तो वो सबरिंग नहीं है, वो सबरिंग नहीं है। देखिए हमने अभी तक चार प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं, जिसमें आप लोगों को कोई भी अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन जो हैं हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ यूज़ करी है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर, जिसको आप लोगों के साथ मैं प्रूफ भी कराऊंगा, इसको हम करेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टरिस्टिक के बारे में यहाँ पर डिफाइन करते हैं, वो क्या है करेक्टरिस्टिक ऑफ आर। करेक्टरिस्टिक ऑफ आर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में करेक्टरिस्टिक ऑफ आर पढ़ लिया है। तो चलो यहाँ पर अब यहाँ पर लिख लेते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में नोटेशन जो हमने यहाँ पर लिखनी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेरे पास यहाँ पर, फिफ्थ प्रॉपर्टी है लेट एस बी अ रिंग, लेट एस बी अ रिंग, ओके लेट एस बी अ रिंग सच दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉन जीरो, ओके करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, डेफिनेशन ध्यान रखना है इसकी एक बार, दैट इज द करेक्टरिस्टिक सी एच ए आर ऑफ आर, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर हम इसको ऐसी नोटेशन देते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, देन फर्स्ट कंडीशन करेक्टरिस्टिक ऑफ सबरिंग ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, सेकेंड कंडीशन करेक्टरिस्टिक ऑफ एस डिवाइड्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, करेक्टरिस्टिक ऑफ एस डिवाइड्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर, ओके। करेक्टरिस्टिक ऑफ आर के बारे में क्या आप लोगों को ध्यान में है, अभी सर आपने बताया था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ आर में वो एक बी ऐसा बिलोंग करता है जो एन बी इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब बी को एन टाइम्स ऐड करने पर वो जीरो हो जाता है, ये हमारी करेक्टरिस्टिक ऑफ आर के बारे में हमने यहाँ पर इसको डिफाइन किया था, हमने यहाँ पर इस पूरी टर्म को यहाँ पर डिफाइन किया था। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन को अगर मैं आप लोगों के साथ प्रूफ करना चाहूँ तो करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉन जीरो है, तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ आर है वो मेरे पास एन है विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमारा नॉन जीरो है। मैं यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि एक बी जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो एक एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेट एस बी अ सबरिंग ऑफ आर देन द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉन जीरो, एस बी अ सबरिंग, एस आर सबरिंग ऑफ आर देन
द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर इज नॉन जीरो, इससे आगे हमने ये फिर आगे कंटिन्यू लिखना है. ओके अब देखिए ना, बी मेरा एस में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से मैं ये बात बोल सकता हूँ ये जो बी है ये मेरा आर से भी बिलोंग कर रहा है. अब अगर वो आर से बिलोंग कर रहा है तो बाई करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पर एन बी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस. ओके इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अभी देखिए ना एन बी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस. बी को मैं अगर आर में लेके गया, आर की करेक्टरिस्टिक जो मैंने ली थी वो एन ली थी, उसे मैं एन बी इज इक्वल टू जीरो ले गया फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू एस. अगर मैं बात यहाँ पर बोल दूँ तो इसका मतलब फ्रेंड्स करेक्टरिस्टिक ऑफ एस जो होगी वो लेस देन एन होगी. वही वाली बात है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर हमें गिवन हो तो हम ऑर्डर तो यही वाली बात बोल देते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर पर्टिकुलर दिस है. अगर हमने फाइंड आउट किया है तो ग्रुप का ऑर्डर जैसे सामने किसी एलिमेंट का ऑर्डर हमने 4 फाइंड आउट किया, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वो 4 नहीं हम बोलते अपनी तरफ से कि उस एलिमेंट का ऑर्डर 4 या 4 से कम होगा. सिमिलरली करेक्टरिस्टिक ऑफ एस जो होगी, करेक्टरिस्टिक ऑफ एस जो होगी वो हमारे पास एन से छोटी होगी, और एन क्या है हमारी करेक्टरिस्टिक ऑफ आर है. तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ एस इज लेस देन इक्वल टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ आर. Characteristic of S is less than equal to the characteristic of R. इतनी बात हमने यहाँ पर पढ़ ली है. नेक्स्ट के बारे में डिफाइन कर लेता हूँ. नेक्स्ट है लेट कर लेता हूँ कि ये जो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक ऑफ R है वो मेरे पास N है, which is not equal to zero, which is not equal to zero. And मैंने यहाँ पर डिफाइन करी ये जो करेक्टरिस्टिक ऑफ S है वो मेरे पास M है. वो करेक्टरिस्टिक ऑफ एस है वो मेरे पास यहाँ पर एम है. इसका मतलब इसके अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट होगा बी जो एम बी इज इक्वल टू जीरो होगा, इसके अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू एन इज इक्वल टू जीरो होगा. मेरी बात को ध्यान से समझते जाना, ठीक है. मैं आपको फिर से ये वाली बात बोल रहा हूँ कि ये नोट्स आप लोगों को एज इट इज़ मिलेंगे, लिखने की बार बार जरूरत नहीं है. आप लोग इसका प्रिंट निकालें और आराम से अपने यहाँ पर अपने स्टडी में यूज़ करें. और मैं सब्जेक्ट की लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता, सब्जेक्ट की नेचर को चेंज नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं इसे ईजिएस्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इसका ये नेचर है, इस तरह का ये थियोरेटिकल पेपर यहाँ पर हमने करना इसका नेचर है. इसकी नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसे हम इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हम बात आती है कि ये एन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर हमने यहाँ पर इसे डिफाइन किया है. फर्स्टली अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं तो हम यहां पर ये बात बोल सकते हैं n इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर. एम क्यू प्लस आर मैंने यहां पर डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली इस पूरे टर्म को यहां पर लेट कर लिया है, इस पूरी टर्म को यहां पर लेट कर लिया है, और ये जो r है वो लेस देन m है, वो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से कम होता है. अब अगर मैं यह बात बोलूं कि b बिलोंग्स टू s है और s की करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी है m है, तो इसका मतलब m b इज इक्वल टू जीरो होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ s. बाय द डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑफ s, करेक्टरिस्टिक के लिए आप लोगों को पिछला लेक्चर पढ़ना होगा, तो ये पिछला लेक्चर आप लोगों का ऐप पे अवेलेबल है. तो ये नंबर हो गया हमारे पास. अब यहाँ से अगर मैं इसे आगे डिफाइन करूँ तो एम बी इज इक्वल टू जीरो है. अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है और इसे इक्वेशन नंबर 2 लूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 तो ये मेरे पास एन इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर है, है ना. दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये एन बी इज इक्वल टू एम बी क्यू प्लस आर बी प्लस आर बी वाला नंबर है. एन बी एम बी और एन बी ये मेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ n और s को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गई, सच दैट आर बी इज इक्वल टू जीरो हो गया. R B is equal to zero हो गया, then product of two term is equal to zero. Here R zero और either B zero. अब B zero हो नहीं सकता क्योंकि वो मैंने यहाँ पर let किया था non zero. तो इसका मतलब remainder मेरा zero हो गया. इसका मतलब remainder zero हो गया. अब अगर remainder zero हो गया तो from one equation मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इससे आगे, from one equation मेरे पास n is equal to m क्यू हो गया है. मेरे पास n is equal to m क्यू हो गया है, यही वाली नंबर है. और इसका मतलब क्या है, m is the sum constant multiple of m. इसका मतलब m जो है वो n को डिवाइड कर पा रहा है. इसका मतलब characteristic of s divides characteristic of r.
करैक्टरिस्टिक ऑफ एस डिवाइड द करैक्टरिस्टिक ऑफ आर, वी आर डन। इतनी सी बात हमने यहाँ पर पढ़नी थी, ठीक है, समझ आ गई बात। यहाँ पर क्या क्या बातें हमने यहाँ पर डिफाइन करी हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, ठीक है। चलिए यहीं पर ही अभी रुकते हैं, इसी कंसेप्ट को। आप लोगों ने अभी सबरिंग और एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आप लोगों को नेक्स्ट कट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैं सेंटर ऑफ अ रिंग, लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल एंड सो ऑन, सारी बातें आप लोगों के साथ इसी कोर्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये आज रात पब्लिश होगी ना ये वीडियो, तो ये आप लोगों के लिए एक नई मोटिवेशन लाइन क्या है, वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं, जिनकी नींदें किताबों में खो जाती हैं वो सब रातें अपना कर्ज चुकाती हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, जितनी मेहनत करेंगे सफलता उतना आपके कदम चूमेगी। तो मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, सीखते रहें। ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स से एज इट इज़ आप लोगों को पढ़ाना इसीलिए मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है कि आप लोगों को बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। आप लोगों को यही पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए, इसी पीडीएफ को आप लोग फॉलो करें और फॉलो करते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ साथ आप सभी को धन्यवाद।